हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट अगेन विद द सेम एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर इज 6 बेटा। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 6। What is written here? Please, beta, please, please. हाँ जी बेटा, what is written in the question now? Six. Prove that the area ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratios ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। मेरे पास हो गए, दैट मीन्स हमें यहां पर गिवन है कि टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। मुझे प्रूफ करना है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशियो जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल भी होंगी। अब बेटा वेरी इजी टू do this question. If this is a triangle ABC, this is a triangle PQR. बेटा मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हमने कल एक थ्योरम की थी, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, रेशियो के। So that means area of triangle ABC over PQR, that is equal to AB over PQ square. मैंने सिर्फ एक ही साइड लिखी। अब बेटा क्योंकि मीडियन की बात होनी है, दैट मीन्स मुझे मीडियन ड्रॉ करने पड़ने है ना। मार्क दिस एज ई और इधर जो है पी क्यू आर एस लिख देते हैं, ओके। अब बेटा क्योंकि मेरे पास ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दैट मींस ए बी ओवर पी क्यू बी सी ओवर क्यू आर के इक्वल होगी। मैं हाफ से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर दूं, हाफ ऑफ बी सी जो है बी ई हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एस, यानी इसको छोड़ दो, मेरे पास ये दोनों चीजें पता चल, ये पहुंची। अब बेटा देखो, दिस ओवर दिस, दिस ओवर दिस, ये एक रेशियोज आ गई दो साइड्स की। साथ में बड़ी बड़ी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल बी किसके इक्वल है, यानी बाय साइड एंगल साइड छोटी छोटी ट्रायंगल्स क्या हो गई सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गई तो दैट मींस एबी ओवर पीक्यू इज इक्वल टू एई ओवर पीएस। कैन आई रिप्लेस हियर, जब मैं एबी की जगह एबी ओवर पीक्यू की जगह आई कैन यूज एई ओवर पीएस, तो उसका स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। यही बेटा मैंने प्रूफ करना था। अरे जब भी एक फंडा अप्लाई कर लो, वैसे तो प्रूफ नहीं आने हैं, बट मैं बार बार कह रही हूं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमेशा याद रखना उनकी साइड्स की रेशियो उनके मीडियन के रेशियोस के इक्वल भी होगी ही होगी। इसीलिए अगर एरियाज की रेशियो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है तो वो मीडियन के स्क्वायर के इक्वल भी होगी ही होगी। ओके बेटा चले आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास है सेवेंथ क्वेश्चन। लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, व्हाट दिस क्वेश्चन इज,
Question number 70 is prove that the area of equilateral triangle described on one side. Mere paas jo hai area of equilateral triangle. Just wait, beta. Wait. हाँ जी बेटा, और ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो एमसीक्यू में आने के जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या मैं आपको बता रही थी, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। मेरे पास जो है इफ दिस इज अ स्क्वायर, एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ square is equal to half the area of equilateral triangle that can be described on a diagonal. ये वाला, यानी जो इसका area ना diagonal वाले का जो है area, अगर इसका देखूं तो वो twice होता है। अगर मैं side का area half होता है इससे, यानी हमेशा इतना याद रखो डायगनल वाला एरिया जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा। ठीक है, तो वो आपने देखना है कि किसका किससे रिलेशन है, बट रिलेशन तो अपने माइंड में याद रखो ना कम से कम। ठीक है, अब मैंने तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं लेबलिंग कर दूं ए बी सी डी ई एफ। ओके बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सॉरी ए एफ सी। ओके बेटा, अब मैंने ये प्रूफ करना है, इससे बेटर है मैं दिस ओवर दिस लिखूं, तो वो रेशियो क्या आनी चाहिए, 1:2 आनी चाहिए ना। तो अब जरा देखिए, मैंने अपनी तरफ से ना स्क्वायर की साइड ए ले ली। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो बेटा ये सारी साइड्स भी ए होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² यानी इस ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4a² अब मुझे इस ट्रायंगल की साइड चाहिए क्योंकि है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तभी ट्रू होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अगर एसोसलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, नो इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि एरिया इज हाफ अंडर व्हाट कंडीशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब सारी स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको सॉल्व करने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगर ये साइड ए ए है तो डायगनल की साइड क्या होगी, डायगनल की वैल्यू ये देखिए, ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हाँ जी, √a² + a² √2a² √2a, यानी इस ट्रायंगल का एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। यानी मेरे पास जो है आंसर क्या बचेगा, √3/4 2a² ये कट गया, √3/2a². अब ऊपर ट्रायंगल ये लेनी है, नीचे यही लेनी है ना, क्योंकि ऊपर साइड वाली लेनी है, तो दैट मींस मेरे पास हो गए √3/4a² √3/2a² सब कुछ कट गया, आंसर कितना आया, यही कैलकुलेट करना है ना बेटा। देखो बेटा, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। उसने मुझे कहा इस ट्रायंगल का एरिया हाफ है इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। मैंने ये प्रूफ करना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी ओवर, इसको नीचे ले आऊं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी करूं। मैं अगर प्रूफ करूं ये रेशियो 1/2 है तो मेरा काम प्रूफ हो जाएगा। मैंने सबसे पहले इस ट्रायंगल में क्या किया, मैंने साइड स्क्वायर
क्योंकि स्केयर पे डिस्क्राइब्ड है ना ये ट्रायंगल, तो स्केयर की साइड ए ले ली, अगर स्केयर की साइड ए ली तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 100% इसका एरिया क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए ए स्केयर होगा कि नहीं। अब बेटा अगर साइड ए ए है तो आप डायगनल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने डायगनल की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि जो सेकेंड ट्रायंगल है उसकी एक साइड डायगनल है, तो अगर डायगनल की हमें वैल्यू पता चल जाए तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो भी ट्रायंगल इक्विलेटर है, जो एक वैल्यू होगी वही तीनों साइड्स की होगी। और वैसे भी इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, रूट थ्री बाय फोर साइड स्केयर, इसकी तो सीधी लगा दी, इसकी लगानी थी तो रूट थ्री बाय फोर साइड स्केयर ना, मैंने साइड क्या निकाल ली, रूट टू ए, ये आपको पता चल गया, तो मैंने रूट टू ए वैल्यू पुट की, इसको ओपन किया, ओपन करने पे आई विल गेट दिस, ठीक है। अब रूट थ्री बाय टू ए स्केयर है, अब दोनों एरिया को क्या कर दिया डिवाइड, अब ऊपर किसको रखना है नीचे किसको रखना है, न्यूमिनेटर में बीईसी वाले मतलब ये वाली को डिवाइडेड बाय ये वाला, जब किया तो आंसर अपने आप क्या हो गया, वन बाय टू। अब बात ए बी सी का और क्यों, वो स्केयर का पार्ट है हाफ, स्केयर का एरिया होता है साइड स्केयर ए स्केयर, उसका होगा ए स्केयर बाय टू, क्योंकि डायगनल एक स्केयर को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, इसका एरिया इतने ट्रायंगल का एरिया ए स्केयर बाय टू होगा, और यहां तो वो चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों बात करूं, आई डोंट नीड दैट एरिया ना बेटा, तो इसीलिए मुझे लगता ही नहीं है कि उसकी बात करें। बात समझ आई बेटा, चले आगे। चलिए अब बेटा इसके एक्सरसाइज में दो एमसीक्यूज हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आने की चांसेस पूरे पूरे, ओके। लेट अस डू दिस, अब ना अगर इसी क्वेश्चन को मैं केस स्टडी में चेंज कर सकती थी, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया कि मेरे पास एक लैंड है, अब वो लैंड मैंने कैसे बनाई, एक लैंड की साइड मतलब एक प्लॉट जो कि स्क्वायर था उसकी साइड पे एक मैंने हिस्सा एक ब्रदर को दे दिया, दूसरे को कुछ कॉमन हिस्सा दिया स्क्वायर लैंड में से, सच दैट कि ट्रायंगल की साइड जो है ना वो डायगोनल पे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल शुड बी मेड, इक्विलेटर ट्रायंगल, सो दैट मतलब वो आगे पूरा करेगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज टेकन ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है दैट इज फॉर्मड ऑन द डायगोनल, तो आपको ऑप्शन हो सकती है स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटर, नथिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड फॉर दिस, तो आपको क्या करना है इक्विलेटर, नहीं नहीं इट्स नॉट की नेसेसरी कि डिस्क्राइब्ड मींस बाहर होता है, वो तो उसने बताया होगा ना, दे डेफिनेटली टेल यू, जैसे डायगोनल पे डिस्क्राइब मतलब बनाई गई, वहां वहां पर उसने कहा एक डायगोनल पे बनानी है और लैंड एडजॉइनिंग द स्क्वायर देना है, तो एडजॉइनिंग मतलब साथ, तो आप कहां बनाओगे, बाहर ही बनाओगे, और भी कुछ पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है कि नहीं, इज इट क्लियर। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटर ट्रायंगल्स सच दैट, पहले तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएं ए बी सी एंड बी डी ई, अब देखो बी पॉइंट सेम है ना मेरे पास, अब उसने कहा कि बी और मेरे पास जो है डी ई, अब मुझे कुछ नहीं पता यहां पर कि वो क्या दे रहा है, लेकिन उसने एक चीज कह दी
D is the midpoint of BC, यानी D point मेरा यहां पर, ठीक है। अब उसने क्या कहा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी, अभी पॉइंट ही नहीं मेंशन मेरे पास, कहीं पे भी आप लेके कर सकते हो, कहीं पे भी लेके कर सकते हो, अंदर ले लो बाहर ले लो, क्योंकि कुछ नहीं और यूज भी नहीं कहीं होना। आगे बताती हूँ कि क्या बात करनी है। उसने वर्ड कहा कि दोनों की दोनों इक्विलेटर ट्रायंगल है, अगर दोनों की दोनों इक्विलेटर ट्रायंगल है दैट मींस दोनों के वर्टेक्स एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो दैट मींस बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर हो। अब बेटा इतना मुझे पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशियो ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब मैंने कौन सी साइड्स लेनी है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, कौन सी इधर से बी सी, दैट मींस बी सी ओवर बी डी स्क्वायर। अब मुझे ये बताया गया है डी मिड पॉइंट है बीसी का, अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का दैट मींस मैं बीसी की जगह टू बी डी लिख सकती हूँ, ये बी डी कैंसल, तो मेरे पास फोर रेश फिगर, तुम जहां मर्जी जैसे मर्जी, ये ई पॉइंट तुम अंदर ले लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऐसे बाहर ले लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सीधी नहीं ले सकते, क्यों, हर वर्टेक्स एंगल क्या लेना है 60, तो थोड़ी सी तो ऐसे स्लांटिंग ही होगी ना, बात समझ आई, ओके, एक रफ फिगर बनानी। हाँ क्यों लिया था, क्योंकि साइड्स की स्क्वायर के इक्वल नहीं होता एरिया का, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, इन्हीं में रिलेशन पता है ना मुझे कि बीडी जो है हाफ है बीसी का, अगर मैं इधर से ए बी लेती उधर से बी ई लेती तो मैं क्या रिलेशन फाइंड आउट कर पाती, मैं रेशियो ही नहीं निकाल पाती, ओके, ट्रिपल एस से नहीं ट्रिपल ए से, मतलब या ए ए से या ट्रिपल ए से, नो, इक्विलेटर ट्रायंगल के बेटा सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट अगर किसी ट्रायंगल में 666 है, किसी में 333 है, तो मैं ट्रिपल एस से नहीं कर सकती, किससे कर सकती हूँ, ट्रिपल ए से, रेशो 1/2 होगा ना, तुम तो कह रहे हो कि ट्रिपल एस ले लो, आप वो कर सकते हो पर पता, हाँ जी बेटा क्यों, ऊपर बड़ी ट्रायंगल का आना है बेटा, बीडी की जगह मैंने बीसी की जगह टू बीडी, बीडी तो छोटी है, डी पॉइंट इज हियर, बीडी तो छोटी है ना बीसी से, तो मैंने बीसी की जगह टू बीडी, ये कटिंग की तो न्यूमिनेटर में ही आएगा बेटा, ओके बेटा। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, मुझे साइड्स यानी S1 ओवर S2 4/9 दिया है। अब उसने क्या है, एरिया ऑफ द दी ट्रायंगल, क्योंकि एरिया जो है वो किसके इक्वल होती है, रेशियो साइड्स के, तो 4/9 का
अच्छा अगर एरिया दिया हो, साइड्स निकालनी हो रेशियो, तो स्केयर रूट। ओके, स्केयर रूट और रूट दक्ष एक ही बात होती है। ओके जी, दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। ओके जी, नाउ मूव टुवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा नाउ व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स, और एक क्वेश्चन इस थ्योरम पर बेस्ड एग्जाम में ट्रायंगल में से बनता ही बनता है। ओके, और सिर्फ रिजल्ट्स याद रखो कैसे बना। अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे, कौन सी साइड का स्क्वायर आना है, तो देखना पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेटमेंट को लर्न करो, मैं बार बार कह रही हूं। ओके, हां जी सेक्शन। बेटा मैंने आपको क्या कहा, चांसेस प्रूफ के स्टेप्स दिए जाएं और कोई प्रूफ वाला स्टेप्स आपसे पूछा जाए ओनली 1% भी नहीं है ना। बट फॉर आवर सेक मैं बच्चों को कहती हूँ कि प्रूफ एक बार हाथ से निकाल लो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे सम प्रूफ है। ओके, लेट अस डू फर्स्टली पाइथागोरस थ्योरम। नाम से ही इंडिकेट है आपने पाइथागोरस थ्योरम 5th-6th से अप्लाई करते आ रहे हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट करते आ रहे हो। हम उसमें क्या कहते हैं, इफ अ ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल देन द स्क्वायर ऑफ ए साइड ऑपोजिट टू 90 degree, द स्क्वायर ऑफ ए साइड ऑपोजिट टू 90 degree, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज प्रूफ में एंड में कराऊंगी पहले चैप्टर। ठीक है, अब इसका कन्वर्स क्या है, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू ऐसे भी आ सकते हैं, राइट या मतलब आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है पाइथागोरस थ्योरम की, जिस बच्चे ने लर्न नहीं की हुई वो टिक क्या लगाएगा, तो आपको एज इट इज लर्न जरूर करनी। ओके जी, अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, कन्वर्स क्या कहते हैं, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी, एंगल 90 होता है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सक्षम ने सही बोला बेटा, कि अगर मेरे पास कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 100% जो ट्रायंगल होगी वो कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बेटा, नाउ कम टू एक्सरसाइज, जस्ट वेट। हां जी बेटा, एज द पीरियड इज गोइंग टू बी ओवर, सो दैट्स व्हाई वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 ऑन मंडे, बी रेडी विद दैट। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक।